अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एज और ए लेवल्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज हम स्टार्ट करें प्योर मैथमेटिक्स 2 और 3, जिसमें हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन जो है उसकी एक्सरसाइज 4A करेंगे। 4A में जस्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हम अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो है वो आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखेंगे और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जो है वो कंटिन्यूसली मैं जो है वो इसके इस चैप्टर के इस बुक के सभी जो चैप्टर्स हैं उसका जो सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल। अब देखें बेटा, क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन है कि आपने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल। और का मतलब है या। अब या का मतलब ये है कि या तो आप उसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकेंगे या तो आप उसमें जो है वो क्वोशेंट रूल जो है वो अपना अप्लाई कर सकेंगे। अब कैसे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में मैंने जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है या इस क्वेश्चन में मैंने जो है वो क्वोशेंट रूल अप्लाई करना है? तो देखें बेटा, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू इस तरह से डिवीजन फॉर्म में पड़ी हो, आपने इसको डिफरेंशिएट करना हो, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि वाई को डिफरेंशिएट करें, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू 1/x, आपको कहा जाए कि वाई को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप देखें जिसके रिस्पेक्टेड करना है वो एक्स के रिस्पेक्टेड आपने करना है, सही है। फिर आपने जो है जिसको डिफरेंशिएट करना है ना, आपने वो देखना है कि वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्या वो डिवीजन के फॉर्म में पड़ा हुआ है, आया वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर तो वो नंबर्स आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब उस पर जो रूल अप्लाई होगा वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और अगर जो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तब उस पर जो रूल अप्लाई होगा वो कौन सा रूल होगा, क्वोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो अब हम जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, अभी हम स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको इन डिटेल हर चीज़ बताऊँगा। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 3। ये हमारे पास जो है वो इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में देखें बेटा, आपको जो है वो वाई को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्टेड, एक्स के रिस्पेक्टेड, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल हमें नज़र आ रहा है वो एक्स है। तो हम वाई को अगर एक्स के रिस्पेक्टेड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्टेड करना है और किसको करना है, वाई को, तो वो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेम। इसी तरह से इस साइड पे भी आपने जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, डी अपॉन डी एक्स, और ये जो है इसको मैं एकदम वैसे ही लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब जो है हम इसका बारी बारी जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे कि किस तरह से जो है हम डेरिवेटिव इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें बेटा, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेते वक्त आप देखें कि क्या ये जो दोनों वैल्यूज हैं एक्स के, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 3, या आपस में डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 3 ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऑब्वियस चीज़ है, मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर दो जो वेरिएबल्स हैं या दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, आपने जो सिंपली फर्स्ट वैल्यू है उसको आपने एज इट इज़ अप्लाई लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद आपके पास जो सेकंड वैल्यू है ना उसका आपने लेना है डेरिवेटिव। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3, उसका आपने लेना है डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस का साइन लगाएं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जिसका अभी आपने डेरिवेटिव शो किया है उसको आपने विदाउट डेरिवेटिव लिख देना है। तो विदाउट डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो सिंपल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3। और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है जिसका अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस लगाते हैं और क्वेश्चन रूल में दरमियान में नेगेटिव लगाते हैं। फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, फिर जिसका अभी आपने डेरिवेटिव लिया था उसको आपने एज इट इज लिख दिया, और जो फर्स्ट वैल्यू थी जिसका अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका लास्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे।
तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि आप डेरिवेटिव जो है वो किस तरह से ले लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं ना हो रहा, तो इस पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना। तो इसको तो सिंपल वैसे ही आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब प्लस थ्री का। तो एक्स क्यूब प्लस थ्री का डेरिवेटिव बेटा देखें आप किस तरह से लेंगे। सिंपल मैं जो है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलहदा से लेना है, थ्री का अलहदा से लेना है, और थ्री एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इट मींस कि थ्री का तो डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली जीरो है, उस पर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखें अगर आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, उस पर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। अब पावर रूल हमें क्या कहता है, पावर रूल हमें ये कहता है कि जो पार है उसने वेरिएबल के स्टार्ट में आ जाना है, जो पार है उसने एज इट इज वेरिएबल के स्टार्ट में आ जाना है। तो फिर आपने पार में से एक माइनस कर देना है, तो थ्री में से आप वन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। तो अगर आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपली क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पार में से एक फिर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत आसान चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे लिख दिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताया कितना आया था, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, और थ्री का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उसके बाद प्लस, अब ये एक्स क्यूब प्लस थ्री आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पर डेरिवेटिव तो अप्लाई नहीं ना हो रहा, तो ये हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए वन का डेरिवेटिव, वन एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सिंपली आप जीरो लिखें या ना लिखें, चॉइस इज योर्स। अच्छा अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो देखें इसमें भी पार आ रही है, तो इसमें भी सिंपली क्या होगा, पावर रूल यूज होगा। तो पार रूल हमें यह कहता है कि जो पार है उसने सिंपली स्टार्ट में आ जाना है और पार में से हम एक माइनस कर देंगे, तो टू में से वन माइनस करें, और जिसकी कोई डिग्री नहीं होती उसकी डिग्री वन होती है। वन आप लिखें या ना लिखें, इट मीन्स कि अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो सिंपली क्या आता है, टू एक्स आता है, और अगर आप एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन आएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, थ्री एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वन जार थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री जार सिक्स एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स। अब इसमें जो चीज़ें ऐड हो सकती हैं उनको ऐड कर दें, सिक्स एक्स फोर और थ्री एक्स फोर कितना बन जाएंगे, नाइन एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। तो इसमें जो है वो हमारे पास थ्री एक्स कॉमन आ सकता है, अगर आप चाहें तो इसमें थ्री एक्स कॉमन लिख लें, अगर आप चाहें तो आप वैसे का वैसे भी इसका जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख लेते हैं। तो ये आपका जो है वो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट वन था। तो मैंने आपको जो है हर चीज़ डिटेल में बता दिया कि उम्मीद है आपको जो है बाकी क्वेश्चन आप खुद कर भी लेंगे, लेकिन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, तो वो आप खुद जो है वो ट्राई करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है जी, वाई इज इक्वल्स टू एक्स फाइव थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। अच्छा अब देखें इसका हमने y का डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्टेड, x के, क्योंकि हमें जो वेरिएबल नज़र आ रहा है वो x है। तो y का डेरिवेटिव लेंगे, दोनों साइड पे अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो d अपॉन डी एक्स एक्स फाइव इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। तो अब हम जो है वो इसका बारी बारी जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो अगर डेरिवेटिव अप्लाई आप कर रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है या क्वोशेंट रूल। तो अब ये देखें एक्स फाइव जो है इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज लिख दें और सेकेंड का डेरिवेटिव। तो सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस
4x-7, उसके बाद प्लस का साइन, फिर आपने जिसका अभी डेरिवेटिव लिया है उसको आप एज इट इज लिख देंगे, 3x² + 4x-7 मीन्स के डेरिवेटिव के बगैर। फिर आपने लास्ट में उसका डेरिवेटिव लेना है जिसका अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं लिया, मीन्स के फर्स्ट वैल्यू का x5 का। अच्छा, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब देखें x5 पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, तो x5 जो है हम एज इट इज लिख देंगे। फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या आ सकता है। अब देखें 3x² है, तो मैंने क्या कहा है कि जब इस पे पार हो तो इस पे पार रूल अप्लाई होगा, तो इसमें पार आ रही है तो इस पे पार रूल अप्लाई होगा। तो पार रूल इसमें किस तरह से अप्लाई होगा, 2 कहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में, तो 2 3 इधर क्या आ जाएगा 6 6x, तो पार में से एक माइनस करें तो 2 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो सिंपल क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो 1 आप लिखें या ना लिखें तो कोई मसला नहीं, इट मीन्स कि अगर आप 3x² का डेरिवेटिव लें तो सिंपल क्या आएगा 2 3 6, पार में से एक माइनस करेंगे तो वो 6x जो है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद है 4x, डेरिवेटिव ऑफ 4x। अब देखें 4 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को आप बाहर निकाल लें, तो 4 × d/dx और x का डेरिवेटिव, ये dx है ये भी dx है, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 1 = 4। तो 4x का डेरिवेटिव x के हिसाब से कितना होगा, जस्ट 4 होगा। अगर 5x का होता तो 5 होता, 7x का होता 7 होता, ठीक है। तो 4x का डेरिवेटिव सिंपल क्या आ गया 4, और ये जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव सिंपल क्या होगा 0 होगा, तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्लस अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 3x² + 4x-7, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखें इसमें भी पार आ रही है तो इस पे हमें जो है वो पार रूल यूज करना पड़ेगा, तो पार कहाँ आ जाएगी स्टार्ट में, और पार में से एक माइनस कर देंगे तो ये सिंपल आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके जो चीज़ें प्लस होती हैं इनको प्लस कर दें, जो माइनस होते हैं इनको माइनस कर दें, ये सिंपल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर लास्ट में जाके अगर कोई वैल्यू आपके पास कॉमन आती हुई और कॉमन आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो हम थर्ड पार्ट भी मैं इसी तरह से आपको बता देता हूँ, थर्ड पार्ट भी उस तरह से है लेकिन इसमें थोड़ी सी जो चीज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली, इसलिए फिर मैं करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले तो y का x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपल क्या आ जाएगा dy/dx। तो हम जो हैं वो डायरेक्ट इसमें जो है वो स्टार्ट करते हैं, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल क्या होगा x² जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल यूज़ की प्रोडक्ट रूल की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो सेकेंड क्या है 2x + 1 = 4, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, फिर आपने जिसका अभी डेरिवेटिव लिया है उसको विदाउट डेरिवेटिव आप शो करेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसका हम डेरिवेटिव शो कर देंगे। अच्छा, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब देखें इसमें जो है वो x² पे डेरिवेटिव तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो x² जो है हम एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा, तो इसमें आपने बात समझनी है, बात ये है बेटा कि ये जो वैल्यू है इस पे होल के ऊपर पार है, तो आपने इसकी होल के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो ये 4 कहाँ पे आ जाएगा पूरी वैल्यू के स्टार्ट में, ठीक है। तो बाकी ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी 2x + 1, और 4 में से 1 माइनस होगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ लगी। पूरी वैल्यू के ऊपर पार थी तो आपने पूरी वैल्यू के ऊपर पावर रूल अप्लाई किया, सही है। 4 स्टार्ट में आ गया, फिर 4 में से 1 माइनस हुआ तो ये 3 बन गया। फिर आप इस अंदर वाली वैल्यू को देखें कि क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जिसका हम डेरिवेटिव ले सकें। चलिए 1 का तो डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव अगर आप लें तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने जो है वो वैल्यू का फर्दर जो डेरिवेटिव हो ना वो भी लेना है। पावर रूल अप्लाई होके तो डेरिवेटिव ले लिया, फिर जो ओरिजिनल वैल्यू थी अंदर वाली उसका फर्दर डेरिवेटिव भी आपने देखना है कि इसका हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो वो लेना है। देखें 2 एक कांस्टेंट नंबर, इसको स्टार्ट में ले हैं, और dx/dx ये कट हो जाएगा तो 2 × 2, तो 2x का डेरिवेटिव सिंपल क्या होगा 2। पिछले पार्ट में हमने 4x का किया था उसका डेरिवेटिव 4 आया था, अब 2x का किया x के अकॉर्डिंग तो 2 आया, ठीक है।
प्लस, अब 2x+1 ये तो एज इट इज आ गया क्योंकि इस पे तो डेरिवेटिव अप्लाई हो भी नहीं रहा। फिर हम क्या करेंगे, इस पे पार रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि इस पे पार है, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आप लिखें या ना लिखें, सही। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें 2 4 8, 8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² × 2x+1³ + 2x+1 4 है और 2x है। तो इसमें जो है हमारे पास एक तो 2x कॉमन आता है और दूसरा 2x+1³ कॉमन आता है। हमारे पास 2x कॉमन आ सकता है और 2x+1 का क्यूब जो है वो कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 4x और प्लस 2x+1। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ कॉमन आती थी चीज़ें, ये मैंने कॉमन ले ली। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो सही होगा। आपको जो है वो फर्दर अगर आप कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब हम इसमें जो है आज का लास्ट पार्ट करते हैं, फिर अपना जो है वो लेक्चर को ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। तो अभी हम अपना जो है वो लास्ट पार्ट देख रहे हैं, वाई इज इक्वल्स टू 2x/3x-1। अब इसमें भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, d/dx y d/dx 2x/3x-1 का डेरिवेटिव हम जो है वो लेंगे। अच्छा अब देखें, y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, dy/dx। यहाँ पे आपने बात समझनी है, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इट मीन्स ये डिवाइड हो रही हैं। तो अगर ये डिवाइड हो रही हैं तो इस पे प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई हम नहीं कर सकते, तो इस पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, इस पे हम रूल अप्लाई करेंगे क्वोशेंट रूल। कौन सा रूल, क्वोशेंट रूल। अब क्वोशेंट रूल हमें क्या कहता है, वो ये हमें कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है सिंपली आपने उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर पड़ा है हम सिंपली उसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आपने एज इट इज न्यूमिरेटर में लिख देना है, तो इसको हम लिख रहे हैं 3x-1। उसके बाद वो ये कहता है कि जो आपका न्यूमिरेटर था उसका आपने डेरिवेटिव शो करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर, तो न्यूमिरेटर क्या है, 2x। उसके बाद वो कहता है कि आपने साइन लगाना है माइनस का, ठीक है। फिर वो कहता है कि जिसका न्यूमिरेटर का भी आपने डेरिवेटिव शो किया है उसको आपने विदाउट डेरिवेटिव लिखना है, तो हम उसको लिख रहे हैं। और लास्ट में वो कह रहा है कि जो आपका डिनोमिनेटर था उसका आपने डेरिवेटिव शो करना है। दोबारा से देख लें क्या है जी क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल हमें ये कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फिर आपका जो डिनोमिनेटर ओरिजिनल फॉर्म में पड़ा था उसको आपने न्यूमिरेटर में लिख देना है एज इट इज, ठीक है। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है जो आपका न्यूमिरेटर था 2x था, फिर नेगेटिव का साइन शो करके, प्रोडक्ट रूल में आप प्लस लगाते थे बट क्वेश्चन रूल में नेगेटिव आता है। फिर आपने जिसका न्यूमिरेटर का अभी डेरिवेटिव लिया होगा उसको आपने विदाउट डेरिवेटिव लिखना है, और लास्ट में आपका जो डिनोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव आपने शो करना है। तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं 3x-1, इस पे डेरिवेटिव तो अप्लाई हो ही नहीं रहा तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। अच्छा 2x का डेरिवेटिव पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया है कि 2 स्टार्ट में लेंगे, मतलब अगर हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 तो एक कांस्टेंट नंबर, इसको बाहर ले लेते हैं। और अगर सिंपली हम जो है वो x का डेरिवेटिव लेंगे x के अकॉर्डिंगली तो वो सिंपल क्या आएगा, 1 आएगा, तो 2 1 2 होता है माइनस। अब देखें 2x पे डेरिवेटिव तो अप्लाई नहीं हो रहा तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। लास्ट में 3x-1, अब देखें 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। 3x, जैसे हमने 2x का डेरिवेटिव लिया तो कितना आया, 2 आया, तो 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपल क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो डिनोमिनेटर पड़ा है उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे 3x-1²। अब जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार क्या बन जाएगा, 6x-2 1 2 3 2 6x/3x-1² ये 6x+ का है, ये माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल जो हमारा डेरिवेटिव निकलेगा वाई का वो कितना आ जाएगा, -2/3x-1²
ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल इसका आंसर है। यही था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हर इसमें सिंगल चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।